पन्ना पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कहां राम पथ गमन की तरह बनेगा कृष्ण लोक। हर जिले में अब बनाया जाएगा गीता भवन भी। पन्ना जिले को जो भी जरूरतें हैं उन सभी को पूरा करेगी मध्य प्रदेश सरकार। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कल पन्ना पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने हलचट के मौके पर श्री बलदाव जी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इसके बाद पन्ना के स्थानीय जुगलकिशोर मंदिर के मंदिर में कृष्ण पर्व में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा सहित भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, पन्ना जिले के तीनों विधायक और आम जनता मौजूद रही। बता दें कि उन्होंने जुगलकिशोर भगवान के दर्शन किए, साथ ही कार्यक्रम के अंत में उन्होंने गीत भी गाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से भगवान राम जहां गए थे वहां रामपथ गमन बन रहा है, वैसे ही कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई हैं वहां भी कृष्ण लोक बनाया जाएगा और लोगों को भगवान कृष्ण की कई शिक्षाएं जो जीवन में आज भी अनुकरणीय है उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पन्ना में इंजीनियरिंग कॉलेज सहित शहर की तमाम मांगों के मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जरूरतों को आने वाले समय में पूरा कर दिया जाएगा और इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। जन्माष्टमी है, आज भगवान बलदाव का जन्मदिन है, ऐसे में पन्ना हमारा अपने आप में भगवान कृष्ण और बलदाव का ये पूरा एक तरह से वृंदावन की याद दिलाने वाला क्षेत्र है। मैं जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा और हमारी सरकार ने तय किया कि हमारे जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनेगी। भगवान कृष्ण की कई शिक्षाएँ जो जीवन में आज भी अनुकरणीय है, उन विषयों को लेकर के हमने प्रदेश भर में संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएँ हुई वो प्रत्येक स्थान तीर्थस्थल बनेगा। पन्ना भी उसमें से एक है। मेरी अपनी ओर से सभी पन्ना वासियों को बधाई और विकास के सारे मामलों में प्राथमिकता के साथ यहाँ के काम भी कराए जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई।